नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं किसी ने प्रकार के जॉब के इंतजार में होंगे। भैया तो एचयूएल क्लासेस किस वीडियो में हार्दिक स्वागत, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो भैया यहां पर एक हवा चल रही है EMLS वैकेंसी 2024। भैया 2023 की वैकेंसी कंप्लीट हो गई तो जाहिर सी बात है 2024 की वैकेंसी तो आनी है। अगर आप इसमें बैठे हैं कि वैकेंसी के पद की संख्या क्या रहेगी तो भैया पढ़ाई मत करना। आपको लगता है कि वैकेंसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, परसों आएगी, एक महीने बाद, चार महीने बाद, साल बर्बाद आएगी। और तैयारी अभी से शुरू कर दी तो भैया आप बहुत अच्छी कैटेगरी में है और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसी सोच रखने वाले स्टूडेंट है और जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए है कि भैया वैकेंसी आएगी जब पढ़ेंगे, तो आपकी किस्मत भी पैर पे पैर रखे बैठी हुई है कि वो भी भैया तू पढ़ेगा तभी तेरे पास आऊंगी। आ रही बात समझ में। तो भैया एक हवा यहां पर है कि 38,480 पदों पर भर्ती आने वाली। आपने थंबनेल पे देखे होंगे लोगों के 38,480 पदों पर भर्ती, 30,000 पदों पर भर्ती। आ रही बात समझ में, बच्चे कंफ्यूज, वाजा भाई मजा आ गया, 30,000 पदों पर भर्ती, 38,000 पदों पर भर्ती, मजा आ जाएगा। भाई आपको एक खेल समझाता हूं, एक अंकों का एक थोड़ा सा मैट्रिक्स आपको समझाता हूं कि ये जो 38,480 पद है ना, ये EMRS ने आपके पहले घोषित कर दिए थे। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, जो ये वीडियो जो EMRS के बारे में जानते हैं उन्हें पहले की भर्ती, पिछली भर्ती 2023 की भर्ती के बारे में पता होगा कितने पदों पर आई थी, सब डिटेल आपको होगी। और जो पहली बार EMRS की भर्ती में शामिल होने वाले हैं और पहली बार EMRS का नाम सुन रहे हैं, तो भैया उनको मैं इन पदों की संख्या को देखकर भ्रमित होने से मना करता हूं। आप एक डेटा यहां पर जरूर देखिएगा, एक पीडीएफ यहां पर मार्केट में यहां पर अभी चल रही है कि भैया यहां पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लोकसभा के द्वारा यहां पर अनस्टार्ट क्वेश्चन जो आपका किसके था, श्री रितेश पांडे जी का यहां पर क्वेश्चन था नंबर 42 है ना, इसके द्वारा यहां पर कंडीशन देखिए भाई हमारे समय जो टीचर्स हैं उनकी कंडीशन आप हमें बताइए। तो उसके जवाब में यहां पर पीडीएफ में आपको देख, यहां पर आपने पढ़ भी ली होगी, आपने जानकारी ले भी ली होगी, पर सबसे बड़ी समस्या है कि 30,000 पद और 38,480 पदों का खेल क्या था वो अपने यहां पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा। एक डेटा और दूंगा कितने पदों पर भर्ती आपके आने के चांसेस है, वो जरूर देख लेना। तो वीडियो पूरा देखना ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। अरे बस समझ में, भैया ये पता था कि EMRS के एग्जाम नेक्स्ट द्वारा होंगे, ये एग्जाम हो गए हैं। कितने पदों पर, 10,391 पदों पर वैकेंसी कंप्लीट, केवल पीजीटी लेवल पर नहीं थी, बहुत सारे पदों पर थी है ना। ये आपके कंडक्ट होगी 28 जून 2023 एंड 18 जुलाई 2023 जो भी था इसका फॉर्मेट है ना, और ये मार्च 2024 के पहले पहले हमने सारा फेज कंप्लीट कर दिया। कितने पदों पर, 10,339। अब इन्होंने आगे लिख कर दिया है कि भैया अगले 3 सालों के अंदर 38,480 पदों पर। अब यहीं पर सारा कंफ्यूजन, यहीं पर सारा मामला गड़बड़ हो गया। ये जो 38,400 पद है ना भैया, आने वाली भर्ती का नहीं, ये है भैया इन 38,480 पदों में से इन 10,391 को माइनस करो, उसके बाद जो नंबर आएगा उसके माध्यम से इन 3 वर्षों के अंदर भर्ती करवाई जाएगी। तो 38,000 वाला मामला तो हटा दो, को 30,000 जो बोल रहा है वो भी हटा दो, लगभग माइनस कर दो तो 28,000 के आसपास निकलेगी, 2,000 पद और आपके कम हो जाएंगे। और अगले 3 साल में ये कंडक्ट होने वाली है, 3 साल का ड्यूरेशन इन्होंने मांगा है, दिया है, तो भैया उसके अकॉर्डिंग अपन देख लें तो 10,391 में जो आपकी पोस्ट यहां पर आपके टोटल थी, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो आपकी यहां थी, सारे नंबर मिला के इन्होंने यहां पर डेटा आपके यहां पर प्रस्तुत कर दिया कि भैया हमने इस प्रकार से 10,391 पोस्ट कंप्लीट करवा दी फेज वन के अंदर। अब फेज टू स्टार्ट होगा जिसमें इन 38,480 पदों में से जो बचे हुए पद हैं उनकी भर्ती हम निकालेंगे। कितने पद है भैया, ये टोटल आपके 38,480 पदों की गणना यहां पर दे रखी थी, यही पीडीएफ आपने देखी है भैया, सबने पीडीएफ मिल भी गई होगी, व्हाट्सएप पे वायरल भी हो रही होगी है ना। ये जो 38,480 पद, इसमें से 10,391 माइनस कर दो तो 28,000 के आसपास, प्लस करके 30,000 के आसपास कुछ और निकलेगा है ना। तो ये अब इसमें से एक और देख लो, अब पीजीटी वाले और मजे हो रहे, 8,880 सीधा फूल के चौड़ा जाता है कि भाई साहब 8,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पास्ट में चलता हूं, यहां पर एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा जब 2023 की वैकेंसी आई थी ना, उसके पहले एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि हम भर्ती निकालने वाले 740 EMRS स्कूल्स के अकॉर्डिंग हम भर्तियां निकालने वाले हैं। तो 2/6/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल यहां पर दी थी कि हम इन इन पदों पर क्या करेंगे भैया, वैकेंसी को जारी कर देंगे,
इनमें से अगर पीजीटी की बात कर लूं तो इन्होंने यहां पर दिया था 11 सब्जेक्ट पर 8140 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे, ऐसा हुआ नहीं था। हुआ था क्या 8000 पदों पर आई थी क्या भैया? नहीं आई थी। कितने पे आई थी जरा गौर करना, ये गौर कर लो, ये लीजिए, ये 2021 में टोटल वैकेंसी कितनी निकाल के दी 3400, 1207 केवल पीजीटी पोस्ट थी और यहां पर आपके 130 केमिस्ट्री की पोस्ट। लेकिन दुर्भाग्य बच्चों का कि इस पोस्ट को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, इस वैकेंसी को रद्द कर दिया और ये रिन्यू होकर 2023 में आई। क्लियर हो रहा है? 2023 में जब ये भर्ती निकलकर आती है भैया तो यहां पर आपके कितने पदों पर आती है, 4062 पर, जिसमें से पीजीटी के पद कितने थे 2266 और 169 यानी कि 170 के आसपास आपकी केमिस्ट्री की पोस्ट थी। आ रही बात समझ में? अब गौर करना, पीजीटी कितनी बताई 8880, खुशमत वाला, आ रही बात समझ में? ये 2266 जो 23 में गई है ना, इसको माइनस कर दो, ये 10 में 6 गया, 4 बचा यहां पर, 7 7 में 6 गए तो 1 बचा, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, भी 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 6614। और ये पोस्ट कब तक के लिए है? 3 इयर्स, 3 वर्षों के लिए। 23 वाला चला गया, 24 25 26 जो भी है, अगर 23 को काउंट कर ले, 38000 पदों की भर्तियां पूरी कंप्लीट कराने के अकॉर्डिंग, तो 23 24 25 बचे हुए 2 साल। और अगर अपन न्यू ईयर के अकॉर्डिंग देखें अपन यहां पर 24 25 26, तो 3 वर्षों के अंदर में 25-26 तक ये 38000 पोस्ट की यहां पर कंप्लीट कराने की बात कर रहे हैं। पर हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो और नहीं हो, होता है तो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाइयां, मजा आ जाएगा। लेकिन भैया पीजीटी की जो पोस्ट निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 6614, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और वह भी हो सकता है कि फेज 2 फेज 3 टुकड़ों में आती है, जैसे कि यहां पर 2200 दी है तो 6000 के 2 टुकड़े कर लो, 3-3 कंडीशन में 3200 3300 के आसपास आपकी पोस्ट निकल जाएगी। अगर 3 टुकड़े हो गए तो फिर वापस ये आप 66 22 22 22, आ रही बात समझ में? 3 फेज कर दिया, आगे बढ़ा दिए, 3 साल में हर साल देंगे भैया, तो 24 में देंगे, 25 में भी देंगे, 26 में भी देंगे, तो फिर 2200 पदों पर आपके फिर से वापस पीजीटी की भर्ती आने के चांसेस है। अब सवाल यह पैदा है कि मैं इनके अकॉर्डिंग पढ़ाई करूं, मेरा सारा ध्यान इस पर लगाऊं? भाई मत लगाओ, आपने वीडियो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती का 38000 वाला दिखा दो, 30000 वाला दिखा दो, हमने दिखा दिया 28000 वाला, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया। पर तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी ताकि जितनी भी पोस्ट निकल गए, चाहे 6000 निकल के आए, 3000 निकल के आए, 2000 ही निकल के आ जाए, आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। पढ़ाई पर जुट जाओ, अभी से जुट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें अपने सुन ली है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम वीडियो को देख रहे हैं सारी बातें। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार इनको देखकर रुक गए और यार 2000 आएगी क्या, यार फिर मैं और जगह देख लेता हूं, या मैं प्राइवेट जॉब, जो टारगेट अगर EMRS में जॉब लेने का है, सेंटर में जॉब लेने का है, तो भैया अभी से कमर की पट्टी बांधनी पड़ेगी और आपको तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन उठा पाएंगे। मैंने कहा था ना, हाथ पे हाथ धरकर मत बैठना, वरना आपकी किस्मत भी पैर पर पैर रखकर बैठी हुई है, जब आप तैयारी करोगे तभी किस्मत उठकर आपके पास आके तिलक लगाएगी। आ रही बात समझ में? तो सारी गणित समझ में आ गई। ये जो 38000 पदों का जो पोस्ट का जो खेल था, पोस्टमार्टम ने कर दिया है। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कहां से करोगे, कहां जाऊं केमिस्ट्री तैयारी करने के लिए, बता दो सर, ये भी बता दो, इतना सारा रामायण बताया दी है, कहां से करेंगे? तो भैया एच गुण क्लासेस पे आ जाइए, स्वागत है आपका, कहीं और से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुलना करके देख लेना, कंपेयर करके देख लेना कंटेंट को। आ रही बात समझ में? एच गुण क्लासेस पर आपको 100% कंटेंट का डेमो मिलता है, इक्के दुक्के लेक्चर का नहीं, पीडीएफ वगैरह का नहीं, एक दो लेक्चर दिखा दे भाई हम ऐसा पढ़ाते हैं ना, 100% कंटेंट, कितने लेक्चर है, कितनी पीडीएफ से, कितने क्या है टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा, देख लो, डेमो लेकर देखना। किसी भी कोर्स को परचेज करने, ज्वाइन करने से पहले डेमो लेकर जरूर देख लेना। तो भैया अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और ईएमआरएस पीजीटी केमिस्ट्री की अगर तैयारी करने वाले हैं तो भैया आपके लिए कॉम्बो कोर्स इंतजार कर रहा है, आइए डेमो लेकर ज्वाइन कर लेना, अमाउंट आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत कम प्राइस में, क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो आने से लेकर एग्जाम होने तक की जो कंडीशन है उसको डिवाइड करके देखना, नाम मात्र के रिचार्ज, मोबाइल के रिचार्ज के बराबर की कीमत निकलेगी, जितना लेट होगे उतना बड़ा नुकसान है। इस कॉम्बो कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, इस कॉम्बो कोर्स में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे और इसी कॉम्बो कोर्स में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? इन तीनों
को आप अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉम्बो कोर्स में मत जाना, आप चाहे तो पहले वीडियो लेक्चर ले लो, आप चाहे तो उसके बाद में क्वेश्चन बैंक ले लेना, उसके बाद में फिर आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर। यह आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग है भैया, मैं अमाउंट एक साथ पे नहीं कर सकता, पर अगर आप कर सकते हैं तो भैया कॉम्बो ले लेना, ये सारी चीजें आ जाएगी। साथ में डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आ जाएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, जो असाइनमेंट शीट वगैरह जो भी आप सॉल्व करोगे, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो भैया डिटेल आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कैसे इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो जो भी 38,480 पदों की गणना है वो मैंने आपको समझा दी है, किस प्रकार से उसका पोस्टमार्टम हुआ है आपने देख लिया होगा। तो भैया वीडियो को जितना उसका शेयर कर दें ताकि बच्चों को और जानकारी मिले, और EMRS की तैयारी करना अभी से शुरू करना, लेट मत करना। अगर किस्मत आके तैयारी करके आपके यहां पर क्या नाम से तिलक लगाए, तो ध्यान रखना आपको हाथों पे हाथ रखकर नहीं बैठना, अभी से तैयारी शुरू करनी है, नौकरी उठानी है। आ रही बात समझ में? चलिए मिलते हैं अगली जानकारी, अगली इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ आपके हितों से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए भैया जय हिंद।